चलो जल्दी करो। नहीं। क्या पहन रही हो? नहीं। मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया है। आपको खाना बनाना नहीं आता? ए, मैरी दरवाजा खोलो। बहुत प्यारी लग रही हो। डिज्नी का कार्टून लग रही हूँ मैं। इसमें स्पेशल क्या है? क्या कहा है? आपने कहा था स्पेशल नाश्ता बनाया है। प्लीज मुझे स्कूल मत भेजो। आप मुझे घर पे पढ़ा सकते हैं। जितना जानता था उतना पढ़ा चुका। पर मुझे नहीं जाना है। मुझे भी काम पर नहीं जाना पर जाना पड़ता है। आप कोई काम नहीं करते, आप बस बोर्ड ठीक करते हैं। ओके, मेरी बात में दम नहीं है पर तुम्हें जाना पड़ेगा। पर ब्रेड का क्या होगा? क्या होगा मतलब? आप इसका ख्याल नहीं रखोगे, आपको वो पसंद नहीं। मुझे दो आंखों वाली बिल्लियां पसंद नहीं है, फ्रेड की एक ही आंख। उसके साथ पिंग पोंग बॉल से कौन खेलेगा? फ्रेड बिल्कुल ठीक रहेगा, मुझसे बहस मत करो, हम इस पर और वार्तालाप नहीं करेंगे। ये वार्तालाप क्या होता है? ओ, तुम नहीं जानती, इसके लिए तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा, ऐसे पक्के दोस्त मिलेंगे जिनसे तुम जिंदगी भर पैसे उधार मांग सकती हो। जा। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम बस मतलब बच्चों जैसे पेश आना। अभी भी वक्त है अपने इस बेतुके फैसले को बदलने का। जाओ और मैरी को वापस लेकर आओ। मकान मालिक होने का मतलब ये नहीं कि जब चाहो घर में घुस जाओ। देखो फ्रैंक, मेरी बात को अनसुना करने से तुम्हारा फैसला सही नहीं हो जाता। इससे पहले देर हो जाए उसे वापस लेकर आओ। उसे दुनिया देखनी चाहिए, ना उसकी उम्र के कोई दोस्त है ना वो किसी से मिलती है। उसे बच्चों की तरह पेश आना नहीं आता। दो दिन पहले उसने मुझसे कहा कि जर्मनी अगर यूरो से बाहर निकले तो भी वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ सकता है। ये सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मुझे उसकी फिक्र है। ऐसा मत करो रोबर्टा, अगर तुम रोने लगी तो मुझे भी रोने का नाटक करना पड़ेगा। देखो, हो सकता है कि स्कूल की वजह से सब ठीक हो जाए। हाँ शायद, पर अगर उसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी, जो पहले से ही खास नहीं है। वन प्लस वन इज टू, याद रखना, मैं फिर से पूछूंगी। अब कौन बताएगा टू प्लस टू का आंसर? किसे पता है? फोर। राइट, वेरी गुड डोना, टू प्लस टू का आंसर है फोर। ओके, अब कौन बताएगा थ्री प्लस थ्री कितना है? थ्री प्लस थ्री मजाक है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? इस तरह का स्कूल है ये? उस तरह का स्कूल जहाँ बच्चे बिना इजाजत के बोलते नहीं हैं। हाँ ठीक है, सबको पता है आंसर सिक्स है। इस क्लास में बच्चे तब बोलेंगे जब उनका नाम लिया जाए। ओके, सब लोग ये बात समझ गए ना? यस मैम। गुड, मेरी प्लीज जरा खड़ी हो जाओगी? जल्दी खड़ी हो जाओ, चलो हरी अप। ये सवाल तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम इतनी स्मार्ट हो। 9 + 8 कितना होता है? 17। हाँ हाँ, यू आर राइट, वेरी गुड। तो अब बताओ 15 + 17? 32। हाँ, ये सही जवाब है। ठीक है, फिर
ये ट्राई करो, 57 + 135 192। हाँ, अब मुझे बता सकती हो कि 57 मल्टीप्लाइड बाय 135 कितना है? कोई बात नहीं, तो कौन बताएगा कि 4 7695 स्क्वायर रूट है 87.7 और डेसिमल। अब बताया वार्तालाप क्या होता है? मेरे क्लास में एक अजीब सी स्टूडेंट है। मेरे क्लास में सारे बच्चे अजीब हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अब मस्ती बंद और अपनी जगह पर बैठ जाओ। ओह गॉड, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मिस स्टीवनसन। गुड मॉर्निंग। क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। ओके बच्चों, देखो कौन आया है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी प्रिंसिपल मिसेस डेविस से। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। तो आप सब पढ़ाई एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? हाँ मैरी। क्या ये बॉस है? मिसेस डेविस हमारी प्रिंसिपल हैं। हाँ तो ओके, मैं चाहती हूँ आप फ्रैंक को फोन करें और उनसे कहें कि मुझे इस नरक से ले जाए। एक मिनट रुको, वो उसके डैड है, मैं उसे जानती हूँ। वो हर फ्राइडे नाइट को फर्क बार में आता है। थोड़ा दुखी है पर बंदा हॉट है। तुम हर फ्राइडे रात फॉग क्यों जाती हो? इस उम्मीद में कि वो एक नजर तो देख ले। एक्सक्यूज मी, हाय। वो देखो मेरी टीचर आ रही है, शायद फिर पूछना होगा कि 1 + 1 कितना है। कार में जाकर बैठो। हाय। हाय। सॉरी मैंने इस तरह से आवाज देके रोका। कोई बात नहीं, आप मेरी की टीचर हैं? हाँ, मैं बॉनी स्टीवेंसन। मैं फ्रैंक, हाउ आर यू? सॉरी आज जो हुआ वो थोड़ी एक्साइटेड थी, आज उसका पहला दिन था ना। ओह कोई बात नहीं, एक्चुअली हमें देर हो रही है, कहीं जाना है। देखिए मैं उस बारे में बात करने नहीं आई, एक्चुअली मुझे कुछ और कहना है। ओके। मुझे लगता है आपकी बेटी, मेरा मतलब है मैरी, काफी स्पेशल है। क्या? हाँ, आज मैथ्स क्लास में उसने बहुत ही मुश्किल, सुनिए मेरी बात, बहुत ही मुश्किल जवाब दिए जो कि 7 साल का बच्चा नहीं कर सकता। अब ये क्या है? वो 7 साल नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, वहां उन्होंने मैथ्स प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करने का तरीका ढूंढ निकाला। इसे ट्रैक्टनबर्ग तरीका कहते हैं। पर वो मतलब वो सिर्फ 7 साल की है। मैंने 8 की उम्र में सीखा था। क्या मैं आपको स्पेशल लगता हूँ? कैलकुलेटर इन्वेंट होने के बाद ये तरीका गायब हो गया, लेकिन मैं आज भी ये ट्रिक यूज करके शर्त जीत लेता हूँ। सॉरी आज जो हुआ ये फिर से नहीं होगा। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय बॉनी। बाय फ्रैंक। ट्रैक्टनबर्ग मेथड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स के साथ। सबसे पहली बात, मैं पहले दिन से वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी, और मेरे सामने बैठा 7 साल का लड़का बैठे बैठे मुझे घूर ही जा रहा था। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बच्चे भी तो जवाब देते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। जवाब देने की वजह से प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई, तुमने प्रिंसिपल को डांटा। एक बात बताऊँ, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। मैंने गूगल किया कि कितने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे प्रिंसिपल को डांटते हैं, और तुम जानती हो कि मुझे कितने बच्चे मिले हैं? कितने मिले? एक भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ जानता, तुम स्कूल में ऐसे शो ऑफ नहीं कर सकती हो। जानती हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था और पहले ही दिन। जानती हूँ मैंने गलती की है। आपको नहीं लगता इस बोर्ड को घुमाने की जरूरत है? फ्रेड को लेकर आओ। भागो मत।
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never, never. रेड को किनारे पर बर्ड देखना पसंद है। वो उनका शिकार करना चाहते हैं, पर उसे ये पसंद नहीं। रेड कोई हत्यारा नहीं है, वो रहमदिल है। क्या मेरी मम्मी मुझे इस स्कूल में भेजना चाहती थी? पक्का नहीं कह सकता, पर एक बात पक्की है, वो चाहती थी तुम्हारे दोस्त हो। इडियट दोस्त। और वो चाहती थी तुम दूसरों की कद्र करो, जैसे फ्रेड बर्ड्स की कद्र करता है। पर उन्हें मैं पसंद ना आए तो वो पक्का इडियट है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस स्टीवेंसन। गुड मॉर्निंग मैरी। गुड मॉर्निंग मिस स्टीवेंसन। ओके गुड मॉर्निंग। मुझे गुनना बंद करोगे? आज मैं अपनी स्पीच में बात करूंगी दुनिया की सबसे अच्छी बिल्ली की। वैसे बता दो कि उसका नाम फ्रेड है और इसकी सिर्फ एक ही आंख है, एक ही। तुम चाहो तो गिन लो, पर कितना भी गिन लो ये एक ही रहेगी। इसकी आंख कैसे फूट गई? पता नहीं, शायद इसकी थी नहीं, मुझे तो एक कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला, एक दूध की बोतल को चाटता हुआ। ये बहुत ही स्मार्ट बिल्ली है, पर किसी को इसका एहसास ही नहीं होता, कोई इसे समझता ही नहीं है, कोई नहीं। पेपर के ऊपर अपना नाम लिख लेना ताकि मुझे पता चले सबसे अच्छा किसने किया है। इसे आगे पास कर दो। ओके ऑल द बेस्ट बच्चों, सीधे बैठो, लिखना शुरू करो। जो भी जवाब लिखो सोच समझ के ही लिखना, क्योंकि पता है ना ये मैथ्स है, तो तुक्का मत लगाना। और हो गया। मुझे लगा ही था तुम जल्दी पूरा कर लोगी, तो तुम्हारे लिए एक और पेपर है। फ्रैंक एडलर। इस साल के लीडर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रैंक एडलर की स्पीच। फ्रैंक एडलर मैथमेटिशियन। डायना एडलर मैथमेटिशियन।
मैथमेटिशियन ने खुदकुशी कर ली। Hi, Mary की teacher Bonnie. तुमने मुझसे झूठ कहा। Okay, मैंने झूठ कहा। मैं सच जानना चाहती हूँ Mary के बारे में, मेरी student और तुम्हारी भांजी। मैं एक romantic dinner के लिए बाहर जा रहा था। अचानक मेरी बहन Mary के साथ मेरे घर पर आ गई। वो इस तरह से पहले Mary को लेकर कभी मेरे घर नहीं आई थी। उसे मुझसे कुछ बात करनी थी, बहुत ही जरूरी बात थी। मैंने कहा डिनर करके लौटूं फिर बात करेंगे। सोचा अगर डिनर के लिए लेट हो जाऊंगा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। रात को घर वापस आया तो मुझे मेरी सोफे पर मिली और डायन बाथरूम के फ्लोर पर। उसने ऐसा क्यों किया कभी पता ही नहीं चला। पता लगाना चाहिए था। पिछले 6.5 सालों से मैं और मेरी साथ हैं। और मेरी के डैड? डायन अपने आप में ही रहती थी। उसे अच्छे और बुरे लोगों में फर्क ही नहीं पता था। ये बंदा उसे 1 महीने में छोड़कर चला गया। और तुम्हारे पेरेंट्स? मैं 8 साल का था जब डैड चल बसे। मेरी मॉम, जब डायन प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्यों? वो उनके प्लान में फिट नहीं हुई। वो एक सख्त औरत है, मतलब मेरी मॉम, बहुत ही जिद्दी है, पूरी तरह ब्रिटिश। तुम्हारा मतलब ब्रिटिश तौर तरीकों से नहीं, या मतलब वो इंग्लैंड से? इंग्लैंड से। तो मेरी एक जीनियस है। इस बात को कैसे सुलझाया जाए? जानते हैं उसे निकाला जा सकता है। काश ऐसा ना हो, पर अगर पहली बार गलती करने पर किसी को निकालना रूल है तो उस बच्चे को भी निकालना चाहिए। प्लीज इसे सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, आप सीधी बात करेंगी तो मैं सीधी बात करूंगा। मिस स्टीवेंसन को लगता है कि आपकी बच्ची स्पेशल है और उसमें वो खूबियां हैं जिन्हें हमारी पढ़ाई निखार नहीं सकती है। आपकी किस्मत अच्छी है। ऑक्स अकेडमी नाम के स्पेशल स्कूल के प्रिंसिपल मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा कहते थे कि अगर मुझे करोड़ों में कभी कोई खास बच्चा मिले, खास बच्चा जिसे $30,000 की फीस देनी पड़ेगी। मिस्टर एडलर, मैं आपकी बेटी को स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, पूरी की पूरी। अगर नहीं कर सकती तो आपसे कहती ही नहीं। मैं समझता हूँ उस लड़की को उस स्कूल में डालना बहुत ही सही फैसला होगा। मतलब वो ओक्स है, वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, मैंने पता लगाया था।
पर हमारे परिवार की ऐसे स्कूल से बनती नहीं है, और मैं उस बच्ची को यह एहसास नहीं दिलाना चाहता कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। यकीन मानिए वो जानती है, तो मुझे लगता है मेरी का यही रहना सही है। हाँ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, किसी को मारना गलत है, पर एक 12 साल के बच्चे ने 7 साल के बच्चे को तंग किया और उसने आवाज उठाई। आप जानती हैं उसका ये करना कितना मायने रखता है मेरे लिए, मुझे फक्र है उस पर, आपको भी होना चाहिए। मिस्टर एडलर, आपकी बेटी ने उस लड़के की नाक तोड़ी है। जानता हूँ किसी को मारना गलत है और उसके लिए उसे डांट पड़ेगी, मैं समझाऊंगा उसे, लेकिन मिसेस डेविस, अगर हम अपने लीडर्स को आप और मुझ जैसे आम लोगों के बीच में नहीं रखेंगे तो वो हमें समझेंगे कैसे। इसलिए आपका ऑफर तो अच्छा है, लेकिन मैरी यहीं पड़ेगी, आप उसे निकाल दें तो बात अलग है। आप गलती कर रहे हैं, हम कभी इस बच्ची को उस लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे जिसकी वो सही मायने में हकदार है। वैसे मेरी मानिए तो आप बस उसे अच्छा इंसान बनाइए, इसी की जरूरत है। मिसेस डेविस, मैं बस एक मिनट में आती हूँ। इस लड़की की जो भी जानकारी हमारे पास है मुझे लाके दो। सुनो, तुम्हें यकीन है तुम्हारा फैसला सही है? नहीं। ओके मैरी, मुझे लगता है तुम्हें क्लास से कुछ कहना है, तो फिर खड़े होकर कह दो। हाँ, तो मुझे आप सबसे कुछ कहना है। लोग कितने भी बुरे हो, उन्हें मारना नहीं चाहिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझसे मत डरो। गुड, बैठ जा। क्या मैं वो कह सकती हूँ जो मुझे कहना है? हाँ। टूटने से पहले जस्टिन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, सच में बहुत ही अच्छा था। चलो चलिए बढ़िया। हमारे दरवाजे पर एक लेडी खड़ी है। कौन है? मुझे कैसे पता होगा, मैं बच्ची हूँ। वो लेडी तुम्हारी नानी है। क्या कहा? एप्पल, वाओ। ये मैकबुक है डार्लिंग, एकदम लेटेस्ट एचडी डिस्प्ले के साथ। मैरी, जानती हो और कौन एचडी में देख सकता है? फ्रेड। मैरी, हमने सुना है आपको मैथमेटिक्स पसंद है, तो इसमें चार्ल्स जिमर की ऐसी बुक है जो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नाम है ट्रांजिशंस इन एडवांस्ड अलजेब्रा। जानती हूँ, मुझे ये बुक पसंद है। आप वो पढ़ चुकी हैं? हाँ, आजकल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रही हूँ। अपनी तमीज मत भूलो, नानी को थैंक यू कहो। थैंक यू नानी जी। नानी या एवलिन जो कहना चाहे कह सकती हैं आप। लैपटॉप में और भी काफी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी। हाँ, पर आज होमवर्क बहुत है और कल स्कूल भी जाना है, पर नानी ने अच्छा सरप्राइज दिया है ना। चलो नानी या एवलिन को गुड नाइट कहो। गुड नाइट। हमें फिर खांसी शुरू हो जाएगी। आपकी एलर्जीज गई नहीं? तुमने अपने घर में बिल्ली क्यों रखी है? तुम्हें तो बिल्लियाँ पसंद भी नहीं। मेरी बिल्ली नहीं है, मैरी की बिल्ली है, मैं बस उसका ख्याल रखता हूँ। तो आपको किसने बताया? मैरी के प्रिंसिपल मिस डेविस ने। कभी भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए छोटे दिमाग वालों से उलझना नहीं चाहिए, हमने शायद तुम्हें ये सिखाया था। क्यों आई हैं आप यहाँ? क्या हमें अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने का हक नहीं? बिल्कुल है। खुशी हुई कि आपको 7 साल की कड़ी तलाश के बाद कामयाबी मिल गई। हमें नहीं लगता कि बात करने के लिए ये सही वक्त है। जगह तो बिल्कुल भी नहीं, जब हम राह देख रहे थे तब इतना बड़ा कॉकरोच हमारे जूतों में परेड कर रहा था। हाँ, उन्हें जूते पसंद है। सच बताओ, ये जगह तुमने रहने के लिए चुनी भी तो मच्छरों से भरी ऐसी भद्दी जगह? आप चाहें तो आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं।
क्विज में तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम अब भी पढ़ाते हो? मैं बोर्ड से रिपेयर करता हूँ। क्या बात, वैसे ठीक ही कर लेता हूँ। तभी तुम्हारी ऐसी हालत है, यहाँ सनस्क्रीन नहीं मिलती। मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ। लगता तो नहीं, और हैट पहना करो, इतनी बड़ी हैट जो तुम्हारा चेहरा और गर्दन ढक सके। हमें देखकर कुछ तो सीखो, हमारे भी बाप दिख रहे हो। मैं आपकी सलाह की कदर करता हूँ वाकई, पर हम यहाँ सनस्क्रीन की बातें करने तो नहीं आए। ओ, तो सीधे मुद्दे पर आए, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुमने उस बच्ची के रहने के लिए जो माहौल बनाया है, वो जिस स्कूल में जाती है, सब घटिया है, एब्सोल्युटली बिलो स्टैंडर्ड। मैं नहीं मानता। अगर तुम सच नहीं कहोगे तो बहस का कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, फाइन, सुनो, हम उसे लिए बिना नहीं जाएंगे। गुड, वैसे फ्लोरिडा रहने के लिए अच्छी जगह है। फ्रैंक, प्लीज समझदारी से काम लो। किसी मोड़ पे या तो तुम्हें खुद ही एहसास होगा, या फिर किसी को जबरदस्ती तुम्हें जताना पड़ेगा कि मैरी की भलाई ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तब तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि डायन ये नहीं चाहती थी। डायन? डायन दिमाग से कब सोचती थी? डायन के दिमाग के बारे में आप बात ना ही करें तो अच्छा है, वो एक जीनियस थी। और आज अगर वो अपनी बेटी को इस हाल में देखती तो क्या कहती? तुम्हें लगता है वो ये देखकर खुश होती कि उसकी बेटी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है? हाँ, वो खुश होती। वो नॉर्मल नहीं है, और उसे ऐसा कहना उसकी काबिलियत की तौहीन करने जैसा है। हम जानते हैं तुम उसका भला चाहते हो, पर तुम बच्ची की तरक्की को रोक रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। हम उसे सहारा देंगे, उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। ओह कम ऑन, आप मैरी को अपने साथ ले जाएंगी, वो टीचर से घिरी रहेगी, फिर आप उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों सौंप देंगी और वो बाकी की जिंदगी बूढ़े रशियन साइंटिस्ट के साथ नंबर्स की बातें करेगी। तो क्या उसकी बजाय वो यहाँ सड़े? तुम नहीं समझोगे कि महान बनने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। समझता हूँ, इसीलिए डायन मैरी को मेरे पास छोड़ गई है। जो सबसे बड़ी गलती थी, उसे सही गलत की पहचान नहीं थी। वो नावियर स्टोक्स इक्वेशन को हल करके दुनिया के महान मैथमेटिशियंस में से एक बन सकती थी, पर नहीं बनी, क्योंकि वो उसे हल नहीं कर पाई। वो कमजोर थी, कमजोर अपने पिता की तरह और अपने अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो आज के लंच का मजा किरकिरा हो गया। तुम आज भी जिद्दी और अड़ियल हो। आप जानती है ना, आदमी जो बोता है वही पाता है। आपका ऑडियो प्लीज। एक आइडिया है, मेरे और अपने बारे में सोचना बंद करो और उस बच्ची की भलाई के बारे में सोचो। अगर समझदारी दिखाओगे तो फैसला लेना आसान हो जाएगा, वरना याद रखो हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। इनके लिए बियर ले आइए। और परिवार के प्यार की और भी जरूरत है। दोस्ती आती जाती रह सकती है, मगर परिवार हमेशा रहता है। सोशल मीडिया अभी फरमान चल रहा है, मगर मुसीबत के वक्त वो साथ नहीं देता, और ना ही खुशी के पल बांटने के लिए वो पास होता है। तो अपने परिवार के लिए वक्त निकालिए। मेरी चलो बाहर चलते हैं। क्योंकि जब बच्चे परिवार दुनिया ज्यादा खुशहाल होती है। चलो भी मजा आएगा। जगह बन जाती है। मुझे नहीं जाना है। कृपया हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी। धन्यवाद। hey, आज के लिए मैच बहुत हुआ। कहा ना, मुझे नहीं जाना है। क्या घोड़ होते हैं? पता नहीं, बताइए ना। पता होता तो जरूर बताता, मुझे नहीं पता और ना ही कोई और जानता है। रोबोटा को पता है? नहीं, रॉबर्टा उन्हें मानती है, और विश्वास रखना अच्छी बात है। ऐसा विश्वास जिसे आप महसूस करते हैं, वो नहीं जो आप जानते हैं। और जीसस क्या है? कमाल का बंदा है, उसकी सारी बातें मानो। क्या वो गॉड है? पता नहीं, मेरा ऐसा मानना है, पर ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, तुम्हारी सोच अलग हो सकती है। खुद सोचो, पर विश्वास करना भी सीखो। अच्छा, टीवी पर उस दिन किसी ने कहा था कि गॉड नहीं होते हैं। रॉबर्टा और टीवी पर आने वाले लोगों में फर्क यह है कि रॉबर्टा तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हारी मदद करना चाहती है। पर एक बात तो है, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं, यही जानना चाहती थी ना? हाँ।
ओके, अब किसी और चीज की फिक्र करो। ठीक है। ओके एडलर, नानी और मामा। सच में क्या आप ये केस कोर्ट के बाहर सेटल नहीं करना चाहते? नहीं? ओ, ये अच्छी बात नहीं है। मिस्टर कैलन, तो आप मामा के वकील हैं? यस सर, फ्रैंक एडलर का। रेस बहुत लंबी चलने वाली है और मिस्टर हाईस्मिथ, आप तो इस रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर से आए हैं। जिसमें मुझे काफी खुशी है योर ऑनर। और एक बात बता दूं, मिसेस डिबन्स फ्लोरिडा स्टेट के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं। शुरू कीजिए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस एडलर 7 साल की बच्ची मैरी की नानी है। इनकी बेटी बच्ची की माँ दिमागी तौर पर बीमार थी और 7 साल पहले उन्होंने अपनी जान ले ली। तभी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर एडलर गैर कानूनी तरीके से बच्ची को अपने साथ फ्लोरिडा ले आए ताकि मेरी क्लाइंट अपनी नातनी पर कोई हक न जता सके। हमारे पास सबूत है कि फिलहाल वो बच्ची गंदे और हानिकारक माहौल में रह रही है। हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि बच्ची को मेरी क्लाइंट को सौंप दिया जाए ताकि वो उसे फिर से मैसाचुसेट्स ले जाकर उसकी अच्छी परवरिश कर सके। मेरे क्लाइंट के उस बच्ची को पालने का एक ही कारण था और वो ये कि ये उनकी बहन की इच्छा थी और ये काम उन्होंने बखूबी निभाया है। और योर ऑनर, जहां तक रहने के हालात की बात है, मैं उनके घर में जा चुका हूं। इनके इल्जाम बेबुनियाद हैं। मेरा मतलब, अगर हम अपने काबिल दोस्त की बात माने तो इनके हिसाब से बॉस्टन के बाहर तो बच्चों की परवरिश करना एक जुर्म है योर ऑनर। ठीक है, समझौते का आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना आपका खर्चा बढ़ सकता है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट बच्ची से मिलने की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है? मिस डिविन्स, आप इनके घर के हालात का जायजा लेना चाहेंगे? बिल्कुल योर ऑनर। बाकी की कार्रवाई उसके बाद होगी। उनके वकील का सूट काफी महंगा है। हाँ, पर अफसोस कि कपड़े केस नहीं जिता सकते। ड्रिंक एंजॉय करो। रॉबर्टा, आज रात मैरी को अपने घर रखोगी? इसमें भला पूछने की क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखो, हम कोर्ट पहुंच गए और तुम्हें लगता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हें गोरा वकील तक नहीं ढूंढ पाए। वाह, देखो तुम फिक्र मत करो। मुझे मत समझाओ, तुम्हारी किसी भी बात से मुझे बेहतर महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो हो रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, ना वो मेरी कुछ लगती है। मैं कोई नहीं हूँ, बस पड़ोस में रहने वाली एक औरत हूँ जिसकी राय कोई मायने नहीं रखती और ना ही जज्बात। पर हाँ, आज रात वो मेरे साथ रह सकती है। वो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकती है। मैंने डेविस को एक कस्टडी केस के बारे में बोलते हुए सुना और फिर मुझे पता चला कि सुन के अफसोस हुआ, पर मेरा यकीन मानो, उस स्कूल मीटिंग वाली बात मैंने किसी से नहीं कही। मैं सच कह रही हूँ और मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम्हें ये पता हो। पता है। ओके। मेरे लॉयर ने मुझे जश्न मनाने को कहा। जश्न मनाने के लिए कोई बियर पीता है? ओके, मेरी बारी। तुम्हारी पहली सेलिब्रिटी क्रश कौन थी? वो थी मोना, हु इज द बॉस टीवी शो से। ओह वाओ, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेक्सी ग्रैंडमदर। हाँ, ऐसा लगता था जैसे उसने कोई राज दबा कर रखा है। हाँ, उसे अपनी उम्र से छोटे लड़के पसंद थे। सही कहा तुमने। और ये कोई बड़ा राज नहीं था। इसीलिए तो मुझे वो इतनी पसंद थी। एक बात कहूँ, मुझे भी वो पसंद थी। पता था। ओके, सबसे कम फेवरेट स्टूडेंट और क्यों? ओह नो, मुझे सारे स्टूडेंट्स पसंद हैं। मुझे यकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, वो सारे प्यारे हैं, सभी अच्छे हैं।
बेहतर होगा कि मैं एक शॉट मारूं, क्योंकि गेम में झूठ नहीं बोल सकते। लड़का है या लड़की? लड़का, रॉनी मिडिलटन। नाम से ही छपरी लग। बेचारा एक छोटा बच्चा है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो दिल से ही कमीना है। उस पर चाह कर भी प्यार नहीं आता। वाओ। तो तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? वाओ, मूड ही बदल दिया। हाँ, और तुम्हें सच कहना होगा। ठीक है, सोचने दो। देखो, अगर जवाब नहीं देना तो शॉट मार सकते हो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल सवाल है। नहीं, मैं जवाब दूंगा। कहीं मेरी की जिंदगी बर्बाद ना कर दूं। तुम बहुत ही छुपी रुस्तम हो, मेरी की टीचर। कुछ ज्यादा है। ओके, तुम कहीं। सॉरी, बात यह है कि मैं बस क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो। नहीं, मैंने ये नहीं, मुझे बोलने दो कि हम दोनों, तुम और मैं, बैड आइडिया। सही है, मैं सहमत हूँ। हाँ, 100% ओके, हम दोनों की सोच मिलती है। गुड, सुन के अच्छा लग रहा है, पर अब सोच रही हूँ क्यों पूछा। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? ठीक है। पक्का ना मेरी यहाँ नहीं आएगी? नहीं, मेरी हर सैटरडे दोपहर तक रॉबर्टा के साथ रहती है। सॉरी, ये करना एक्चुअली गलत होगा। ठीक है, ठीक है, समझ सकता हूँ। मैं घर ड्रॉप करता हूँ। सॉरी, पर मैं नहीं मानता। मुझे मेरी डीवीडी नहीं मिल रही है। वहीं रखी है बेबी। मुझे नहीं मिल रही, आप ढूंढ कर दीजिए। मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। याद करो आखिरी बार देखकर कहाँ रख दी थी तुमने। देखो, मैं रहने दो फ्रैंक, मैं फिलहाल कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं हूँ। गुड गुड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या कहना है। ग्रेट, परफेक्ट सर, प्लीज चलिए, मुझे जेल ले जाइए। बेचारी मैरी। रुको रुको, ये खेलना बंद करो। सुनो, सैटरडे मॉर्निंग्स का हमारा रूल है ना? क्या? क्या तुम सैटरडे मॉर्निंग अपार्टमेंट के अंदर आ सकती हो, हाँ या नहीं? नहीं नहीं। क्या तुम यहाँ, हे रुको, खेलना बंद करो। क्या तुम रॉबर्टा की चाबियां यूज कर सकती हो? नहीं नहीं। तो हे, मेरी तरफ देखो, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दोगी? तुमने हर रूल तोड़ा, मुझे बुरी तरह शर्मिंदा किया। हमने रूल्स बनाए हैं ना, 100 बार इस बारे में बात कर चुके हैं। गॉड, यार, क्या मुझे अपनी जिंदगी के 5 मिनट नहीं मिल सकते?
आज जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने तुम पर गुस्सा किया, पर मैं अपने आप पर गुस्सा था। और वो पैर में चुभने वाले खिलौने बनाने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ करोगी? हाँ, कर दिया। ए, मेरी तरफ देखो, लैपटॉप बंद करो प्लीज, मेरी तरफ देखकर बात करो। चलो प्लीज। आप मेरी वजह से जिंदगी जी नहीं पा रहे? मैंने ये नहीं कहा था, पर मतलब तो यही था ना। पिछले महीने तुमने कहा था मैं दुनिया का सबसे गंदा मामा हूं और मैं मर जाऊं क्योंकि मैंने तुम्हें पियानो नहीं दिलाया। क्या तुम यही चाहती थी? नहीं, पूरी तरह से नहीं। बढ़िया। कई बार हम गुस्से में कुछ कहते हैं पर मतलब वो नहीं होता। ये सब भूल जाओ। ओके ओके ओके। फ्रैंक। हाँ? अब मुझे पियानो मिल सकता है? नहीं। क्या वो सच में मेरी की टीचर ही थी? अगले घुटनों से ऊपर कैसे लाई जाए इस पर मेरे पास एक किताब है, तुम्हें वो पढ़नी चाहिए। क्या लिखा है? कुछ खास नहीं, लगता है मेरी को अपनी नानी के पास बॉस्टन जाना होगा। बस 2 दिन की बात है, रिलैक्स। कैसा लग रहा है? कूल। वाओ, आप और मॉम हमेशा साथ में रहते थे? हमेशा। ओ नो, आप उसे मत देखिए प्लीज। ये आपकी फोटो है? कितने साल की थी आप? 29। ये जगह कौन सी है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में। ये सब कौन है? हमारे रिसर्च कॉलीग्स। किस चीज की? मैथमेटिक्स, और क्या? सच में? कूल। तो उसके बाद काम करने आप अमेरिका के कॉलेज में आई थी? नहीं, हमने आपके नाना से शादी की और फिर उनके साथ अमेरिका आए और फिर हमें बच्चे हुए। ओ, तो मैथ खत्म हो गया? देर हो गई है, कल आपके लिए इम्पोर्टेंट दिन है। चलो उठो 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 उठो। क्या मैं पियानो बजा सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, रात को नहीं बजाते। चलो। मैंने सपने में न जाने कितनी बार देखा कि मेरी नौकरी चली गई क्योंकि उन्हें हमारे बारे में मेरी से पता चल गया। और फिर खुद से कभी कभी पूछती हूँ कि जो कुछ भी हुआ क्या वो सिर्फ अट्रैक्शन था। डॉक्टर शैंकलिन, ये प्रॉब्लम तो जानता हूँ, जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। पर ये जैसा कहा है वैसा ही करो। थैंक यू। तो मुझे किस तरह की प्रॉब्लम को समझना है? हमें कैसे पता?
उस तरह की प्रॉब्लम्स जिस पर मॉम काम कर रही थी। आपकी मॉम प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करती थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम पर काम कर रही थी। सिर्फ एक, वो भी पूरी लाइफ? कह सकती हो। देखो, ये मिलेनियम प्रॉब्लम्स हैं, 7 महान और बेहद जरूरी प्रॉब्लम्स। इन्हें हल करने के लिए कई मैथमेटिशियंस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये दाढ़ी वाला बंदा कौन है? ये कोई आम बंदा नहीं है, ये है ग्रिगोरी पेरेलमैन। पॉइंटकरे कंजेक्चर इन्होंने साबित किया था, 7 में से एक यही प्रूव हुआ है। और ये थी आपकी मॉम की प्रॉब्लम। नाविया स्टोक्स। फोटो नहीं है, वो सॉल्व नहीं कर पाई? नहीं, करने ही वाली थी। वो शायद फील्ड्स मेडल जीत जाती और शायद नोबेल प्राइज तक मिल जाता, क्योंकि उसकी खोज फिजिक्स के लिए अहम थी। हो सकता है यहाँ किसी दिन मेरी फोटो लगा दीजिए। अगर आप ये वाकई चाहती हैं, तो आपकी फोटो यहाँ लग सकती है डार्लिंग। हम मदद करेंगे आपकी। इसके लिए लगन और मेहनत की जरूरत है, पर कामयाब होने पर आपका नाम हमेशा याद किया जाएगा। इसे थोड़ा वक्त दो सीमोर। और कितना वक्त? ये कल ही आई है, थकी हुई है और ठीक से सोई भी नहीं है। इसे एक मौका तो दो। 6 साल की उम्र में जिमर पड़ चुकी थी। एक नॉवेल की तरह समझा तो कुछ होगा नहीं। तो मैरी, इस छोटी सी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रही हो? छोटी? बहुत बड़ी है। आप अचानक से गुस्सा क्यों हो गई? हम सिर्फ गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है, लेकिन आप पर नहीं बेटा, उस घमंडी शैंकलिन पर। मुझे पता था हम वहाँ जाएंगे तो हमें दादी वाला आदमी जरूर मिलेगा। मैं टीचर हमेशा दादी रखना पसंद करते हैं। हमने जाने क्या सोचकर हाँ कह दिया था। उसने क्या सोचा था कि आप कमरे में घुसते ही किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम को मिनटों में हल कर देंगी? सच पूछो तो उसे हल नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्यों नहीं किया जा सकता? वो गलत थी। क्या? देखा जाए तो वो नेगेटिव साइन लगाना भूल गए थे एक्सपोनेंट में। वहाँ से सब गलत होता गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे थी नहीं। शायद ये स्कूल इतना भी ग्रेट नहीं जितना आप समझती हैं। जब तुम्हें पता था कि प्रॉब्लम गलत है तो कुछ कहा क्यों नहीं? फ्रैंक मामा कहते कि बड़े लोगों की गलतियां नहीं बतानी चाहिए, वरना उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। नानी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। अंदर नहीं आएंगे? एलर्जी। मामा, मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों ना हम नानी को कह दे कि मुझे ये नहीं करना है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये कोर्ट का हुक्म है, एवलिन का नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं?
सच बताने वाले हैं। बिल्कुल, जितनी जल्दी सवालों के जवाब देंगे उतनी जल्दी घर जाएंगे, इसलिए कोई नाटक नहीं। ठीक है मामा। बोलो। मुझे नानी पसंद है, वो मेरी मॉम जैसी दिखती है और उनके पास पियानो भी है, पर मुझे उनके साथ रहना नहीं है, वो हुकुम बहुत चलाती हैं। मैं ये जानता हूं, वैसे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। हाय मैरी, मैं पैट गोल्डिंग हूँ, तुम मुझे पैट कह सकती हो। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? मेरी नानी चाहती मैं उनके साथ रहूं, पर मैं मामा के साथ रहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। मैं जानती हूँ ये बहुत अजीब हो सकता है, तुम्हें इसे घबराहट नहीं होती? नहीं, मामा ने कहा है वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हारे मामा ने कहा कि तुम कहीं नहीं जाने वाली? 15 मिनट पहले ही कहा, अब मैं जा सकती हूँ? अभी नहीं मैरी। मामा और फ्रेड के अलावा मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है रोबर्टा, जो मेरे घर के बाजू में ही रहती है। अच्छा, उसके बारे में बताओ। वो बहुत ही मस्त और मजेदार है और मुझे पसंद है। नाइस। क्या रॉबर्टा तुम्हारी उम्र की इकलौती दोस्त है? वो मेरी उम्र की नहीं है, वो 40, 50 या 30 साल की होंगी। रॉबर्टा बड़ी उम्र की है। मेरी उम्र के लोग बोरिंग होते हैं, रोबर्टा कूल है। ओके। मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, पर मुझे स्पंजबॉब देखना पसंद है, क्योंकि वो रोबर्टा को बहुत पसंद है। और हाँ, सैटरडे नाइट को देखते हैं UFC। UFC? यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग? हर सैटरडे को। तुम और तुम्हारे मामा अल्टीमेट फाइटिंग देखते हैं? वैसे हम सिर्फ देखते ही नहीं है, मामा साउंड कम कर देते फिर हम वैसे ही आवाजें निकालते हैं। कभी कभी मैं मामा को मारती भी हूँ, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। अगर आप भी मामा को जानते तो इतने सवाल नहीं करते। मैं कभी कभी उन पर गुस्सा करती हूँ, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, सच में। ये कहने की कोई वजह? वो मुझे तब से चाहते जब मैं स्मार्ट नहीं थी। मिस्टर पॉलर्ड, क्या आप मैरी एडलर के असली पिता हैं? जी मैं हूँ। इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं हूँ, और फिर आपने मेरा DNA टेस्ट भी तो करवाया है। मैं ये टेस्ट रिपोर्ट इस सबूत के तौर पर पेश करता हूँ कि मिस्टर पॉलर्ड न सिर्फ बच्ची के पिता है बल्कि उनके कानूनी रखवाले भी। साथ ही इस एफिडेविट की कॉपी भी, जिसमें मिस्टर पॉलर्ड ने मिसेस एडलर यानी मैरी की नानी को बच्ची की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। नो ऑब्जेक्शंस। मिस्टर पॉलर्ड, क्या मिसेस एडलर ने आज आपको यहां आने के लिए पैसे, नौकरी या किसी और चीज का वादा किया है? नहीं सर, मैं अपने आप ही यहां आया हूं। थैंक यू, और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। मिस्टर पॉलर, आपने आखिरी बार मैरी को कब देखा था? मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। वो क्यों? मुझे जब तक डायन के गुजर जाने की खबर मिली तब तक मैरी वहां से जा चुकी थी। फिर तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। जितना हो सका की, पर मैं उसे पूरे देश में तो नहीं ढूंढ सकता था ना। क्या आप ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं? बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आप गूगल करिए मैरी एडलर और देखिए हमें क्या मिलता है। एक और बात, उसका बीच का नाम जरूर डालिएगा तो रिजल्ट सही मिलेंगे। आइलीन। हाँ, एंटर दबाइए। दूसरा पेज, सेकंड लिंक। अब आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, Not so terrible tools। और इनमें से एक है मैरी आइलिन एडलर, वही नाम है जो आपकी बेटी का है, उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन आपकी बेटी हुई थी, साथ में तस्वीर भी है। वैसे आप देखते तो भी पहचान नहीं पाते। योर ऑनर इससे एक चीज तो साफ साफ जाहिर हो गई है कि मिस्टर पॉलर्ड कभी भी उस बच्ची के असली रखवाले बन ही नहीं पाए, और इसलिए इनका मिसेज एडलर को चुनना भी इन्हें शक के दायरे में खड़ा करता है।
कानून के मुताबिक बच्चे की रखवाली माँ या बाप दोनों में से कोई एक कर सकता है। मैं मिस्टर कलिन की दलीलों से सहमत हूँ। थैंक यू योर ऑनर। बढ़ाई मत मारना। मुझे कोई शौक नहीं है। आपकी कार तक छोड़ दो। हम इसमें ऐसे उलझे हैं कि आपसे पूछना ही रह गया। डैड कैसे हैं? मैं बताऊंगी फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। क्या? Well, तुम्हारे सौतेले पिता मोंटाना में हैं। उन्होंने एक फार्म खरीदा। बकवास। वही तो। एक आदमी जो शान शौकत का आदी था और जिसकी सुबह फाइव स्टार होटल्स में होती थी, आज हजार एकड़ में फैली गोबर और घास में जी रहा है। वॉल्टर प्राइस अभी काउबॉय है। डैड अपना कचरा फेंकने भी सूट और जूते पहनकर जाते थे। उनके पास एक काउबॉय हैट है और काउबॉय बूट्स है और ऐसा घोड़ा जो आलसी टट्टू है। ऐसा करने की कोई खास वजह थी? उम्र हो गई है, लगता है सठिया गए हैं। वो 70 साल के? जानती हूँ। शायद उनकी घड़ी 10 साल पीछे चल रही है। तसल्ली की बात यह है कि वो किसी 25 साल की वेट्रेस के इश्क में नहीं पड़े। और ये भी है कि अफेयर होता तो लोग यकीन कर लेते, पर इस बात का तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। और वो अब भी वहीं रहते हैं? यस सरी, फार्म की लाइफ, गाय बैलों के बीच। एक पॉकेट में गन रखी होगी और दूसरे पॉकेट में हाइपरटेंशन की दवाइयां। वेस्ट में रहने वाले अमीरों की यही पहचान है, जेबें भरी और दिमाग खाली। वॉल्टर का भी यही हाल है। ये वाकई बहुत अजीब है। इन्हें एयरपोर्ट ले जाइए। घर जाओ मॉम, या डैड के फार्म पर गाय बैलों को संभालें। जानते हो, हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अफसोस कि हम लड़ रहे हैं। हम हमेशा लड़ते आए। हाँ, होटल चलो। मैरी, बेबी, बहुत हो गया, रोना बंद करो। नहीं। बाहर आ जाओ बेटा। नहीं। तुमने उसे क्यों बताया कि वो लोग का पट्टा भी कोर्ट में आने वाला है? क्योंकि यही सच है और मैं नहीं कहता तो एवलिन कह देती। अगर मैं छोटे बच्चे की डैड होती और उसे देखा नहीं होता, लेकिन उसे शहर में होती तो उसे मिलने जरूर जाती। तो अब खुश हो तुम? उन्हें तो रास्ता पूछने की भी जरूरत नहीं थी, सबके पीछे पीछे यहाँ आना था। लगता है अकल घुटनों से भी नीचे सरक गई है। वो देखना भी नहीं चाहते कि मैं कैसी हूं। ठीक है, ए, जल्दी अपने जूते पहनो, हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी। घूमने? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। वो तो दिख रहा है, पर क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। हमें और यहाँ कितने देर रुकना होगा? जब तक मैं नहीं कहता। और जरा धीरे बोलो, ये एक हॉस्पिटल है। खाना आ गया? हाँ, मैं खाना लेकर आई, ये लो।
बेटा हुआ है। क्या बात है, हमारे को दादा बन गया। जब तुम पैदा हुई थी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। इतनी खुशी? इतनी खुशी। भारत के सबको किसने बताया था? मैंने। हम कुछ वक्त और रुक सकते हैं? मिसेज एडलर, आज यहाँ दिए अपने बयान में आपने अपने बेटे की काफी नेगेटिव इमेज पेश की, आपको नहीं लगता? हमने शपथ ली है वरना हमें कोई शौक नहीं। तो आपका बेटा एक नाकाम शख्स है और आपकी बेटी ने खुदकुशी की थी, किस्मत बद से बदतर। ऑब्जेक्शन विथड्रॉन। ये सब अपने अपने नसीब की बात होती है। आपको बेसबॉल पसंद है ना? फेनवे पार्क, मुझे भी वहां जाना अच्छा लगता है। आप डायन को साल में कितनी बार बेसबॉल मैच दिखाने ले जाती थी? डायन को स्पोर्ट्स का शौक नहीं था। तो उन्होंने कभी कोई गेम नहीं देखा? कभी नहीं, उसने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। अगर मैं सही हूँ तो फेनवे की टिकट्स मुश्किल से मिलती हैं। आपको कहाँ से मिलती थी? हमारे पति के पास सीजन टिकट्स। और उन्हें कब से मिल रही? 30 सालों से, पर हमारी शादी को 20 साल ही हुए हैं। और डायन ने कभी कोई गेम नहीं देखा? आपको याद है डायन ने प्रॉम में कौन सी ड्रेस पहनी थी? डायन प्रॉम में गई ही नहीं क्योंकि वो सीधा कॉलेज गई थी। तो प्रॉम भी नहीं, वो कौन से स्पोर्ट्स खेलती थी? जैसा कि हमने पहले बताया, उसे स्पोर्ट्स का शौक नहीं था। कभी वो कैंप तो गई होगी? नहीं। क्लब में स्विमिंग की होगी? हमारा अपना पूल है। एनसीसी कैंप? नहीं। तो फिर वो बच्ची आखिर करती क्या थी पूरा दिन? उसे मैथमेटिक्स पसंद था, वो उसका पैशन था, उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। कुछ भी नहीं। मिसेज एडलर, तो ये पॉल रिवा कौन है? वो बस एक पड़ोसी था। ओह कम ऑन, वो आपके पड़ोसी से कहीं ज्यादा था मिसेज एडलर। पॉल डायन का पहला प्यार था, है ना? हमारी नजरों में तो वो प्यार बिल्कुल नहीं क्या था। क्या लगता है डायन की नजरों में क्या था? डायन उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। मिसेज एडलर, जनवरी 1998 में डायन और पॉल रिवा साथ में भाग गए थे ना? वो जबरदस्ती ले गए। अच्छा, वो गए कहाँ थे? वर्मोंट। और आपने पुलिस को बुलाया था ना? हाँ। क्योंकि ये किडनैपिंग का केस था। हाँ। पुलिस पहुंची तब मिस्टर रिवा और डायन कहाँ पर थे? हमने बताया ना, वर्मोंट। स्टो वर्मोंट, सही कहा ना? एक छुट्टी मनाने की जगह, स्टो माउंटेन। वो उसे स्कीइंग ले गया था। वो क्या है ना, किडनैपर्स आमतौर पर किसी को स्कीइंग करने नहीं ले जाते, पर पॉल डायन को स्कीइंग करने ले गया था क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। नहीं। और उनके वापस लौटने पर आपने उस पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया। आपने उसके पेरेंट्स के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया ताकि वो डायन को कॉल करना बंद कर दे। हाँ। और तब से डायन को पॉल रिवा की कभी कोई खबर नहीं मिली। हमने मिलने नहीं दी। इसका डायन पर क्या असर हुआ? जाहिर है कुछ वक्त तक मायूस थी, उसका ध्यान भटक गया था। उसका ध्यान भटक गया था। मिसेज एडलर, क्या मार्च 1999 में डायन ने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की थी? वो बस छोटा सा हादसा था, कुछ खास नहीं। उस छोटे से हादसे की हॉस्पिटल रिपोर्ट है मेरे पास। कोई बड़ी बात नहीं थी, डायन आम लोगों की तरह नहीं थी, वो बेमिसाल थी। और बेमिसाल लोगों की परेशानियां और जरूरतें अलग होती हैं। आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते उसके अंदर कितनी काबिलियत थी। वो करोड़ों में एक थी,
पर आपको क्या, आपके लिए ये जरूरी था कि वो एक मामूली घास काटने वाले के साथ भागकर अपनी प्रेम कहानी लिख पाती। कोई भी फैसला लेने से पहले हमारे नजरिए से एक बार सोचिए, हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारियां थी वो एक माँ बेटी के रिश्ते के परे थी। दुनिया में जितनी भी महान खोजों से हमारी जिंदगी बेहतर बनी है वो सब उन दिमागों की उपज थी जो करोड़ों में एक थे। उनके बिना हम आज भी मिट्टी में रेंग रहे होते। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उस लड़के के साथ हमने जो किया उसके एक साल बाद डायन ने खुद आकर हमें शुक्रिया कहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी कि उसे नवाजे गए तोहफे की कद्र करनी होगी और उसने वही किया भी। हमें लगता है आज अगर डायन जिंदा होती वकील साहब तो वो आपकी इस बेबुनियाद बात को झूठा ठहराती कि वो अपने ब्राइट फ्यूचर को ठोकर मारकर अपनी जान लेती सिर्फ इसलिए कि मॉम ने उसे उसकी पसंद का गुड्डा नहीं दिलाया। नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर एडलर, आजकल आप क्या काम करते हैं? मैं बोट्स ठीक करता हूँ। अच्छा, किस कंपनी के लिए? किसी कंपनी के लिए नहीं, फ्रीलांस करता हूँ। ओह, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं होगा? नहीं। आपकी बहन के खुदकुशी करने के एक हफ्ते पहले तक आप क्या काम करते थे? मैं एक टीचर था। टीचर तो नहीं थे आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सही कहा ना? हाँ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या पढ़ाते थे? फिलोसफी, सच्चाई और तर्क, ऐसा ही कुछ ना? आपके वकील ने कोर्ट को बताया कि आप मैरी को इसलिए ले गए थे क्योंकि आपकी बहन चाहती थी कि आप उसे अपने पास रखें। मैंने सही कहा ना? हाँ। तो डायन पहले कभी पेनलिस्ट काउंटी आई थी? नहीं। क्या उसने कभी बताया कि वो अपनी बेटी को यहां बड़ा करना चाहती है? नहीं। नहीं, तो आपने मैरी को यहां लाने का फैसला किया है ना? क्या डायन आपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानती थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो ऐसा चाहती कि उसकी बेटी को अच्छा हेल्थ कवर मिले? बिल्कुल। मैरी बीमार पड़ती हो तो आप डॉक्टर की फीस कैसे चुकाते हो? उनकी बोर्ड ठीक करके। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मैरी को एक मैथ्स जीनियस बताया जाता है, पर आपकी देख रेख में जो उसे एजुकेशन मिल रही है वो तो सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड की है ना? हाँ। और आपने ओक्स की स्कॉलरशिप को ठुकरा दिया जो एक ऐसा स्कूल है जहां खास खूबियों वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ। क्या आपकी बहन को यह मंजूर होता? कह नहीं सकता। मिसेज एडलर के कंप्यूटर देने से पहले क्या मैरी के पास कंप्यूटर था? मेरा यूज करती। मिस्टर एडलर, क्या मैरी के पास अपना कमरा है? नहीं। क्या वो उस बेड पे सोती है जो आपने सेकंड हैंड शॉप से खरीदा? हाँ। तो सच ये है मिस्टर एडलर, आप यहाँ इसलिए शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि आपकी बहन ये चाहती थी, और इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कि मैरी के लिए ये जगह सही थी। वजह पर्सनल थी। डायन एक स्टार थी, आप नहीं। सबका ध्यान डायन पर जाता था, आप पर नहीं। और धीरे धीरे आपका गुस्सा बढ़ता गया और फिर आई मैरी। भड़ास निकालने का क्या तरीका निकाला आपने? आपका उस बच्ची को यहाँ लाने का बस एक ही कारण था, जो था अपनी माँ को चोट पहुंचाने का, जिन्हें आप अपनी बहन का दोषी मानते हैं। और मैरी बेचारी बेवजह इसमें फंस गई। डायन चाहती थी कि मैरी नॉर्मल बच्चों जैसी रहे, आम लोगों की तरह जिंदगी जिए। वो चाहती थी उसके दोस्त हो और वो उनके साथ खेले और खुशियां मनाए। आप जानते हैं कि अगर एक होनहार बच्चा खाली बैठा रहे तो उसके क्या नतीजे होते हैं मिस्टर एडलर? वो गुस्सैल और मायूस हो जाते हैं। मैरी ऐसी बिल्कुल नहीं है। सच में? क्या उसने स्कूल बस में एक बच्चे को मारा नहीं था? एक 12 साल के बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे को गिराया और उसने उसकी मदद की तो उसने उस लड़के की नाक तोड़ी थी। हाँ। पिछले साल 16 अक्टूबर को क्या आपको मारपीट के लिए गिरफ्तार किया गया था? सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर एडलर। एक शराबी ने मुझ पर हमला किया और मैंने अपना बचाव किया। उसका क्या आपने एक रात जेल में काटी थी? हाँ। आप वाकई एक गैर जिम्मेदार आदमी हैं। उस बच्ची को महरूम रख रहे हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अब आपको एक मौका दिया जा रहा है। क्या काउंसिल के पास मेरे क्लाइंट के लिए कोई सवाल है? अब तो सही फैसला लीजिए मिस्टर एडलर। काउंसिल के पास मेरे क्लाइंट के लिए कोई सवाल है या नहीं? सवाल है। बताइए, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपकी देख रेख में उस बच्ची का भला हो सकता है? हाँ।
हाँ हो सकता है। और कोई सवाल नहीं है योर ऑनर? ब्रेड के लिए नया और अच्छा प्रोडक्ट निकला है। हेड ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं। ठीक है सुनाओ। हमें हिम्मत बढ़ानी है, हिम्मत बढ़ानी है फ्रेडी की। हिम्मत। उनसे कहना एकदम सही है। मैंने भी उनसे यही कहा था। हिम्मत बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ फ्रेडी की। वो एक डील करना चाहते हैं। हाईस्मिथ का सुबह सुबह फोन आया था। उसने तुम्हें फोन ही क्यों किया समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारा केस। तुम मेरी बात तो सुनो यार। मेरी जब तक 18 की नहीं हो जाती उसे कहीं और रहने भेजा जाए। नहीं, अच्छे परिवार की सिफारिश कर सकते हैं और कोर्ट को ये मानना होगा। मेरी बात तो सुनो तुम। टैंपा जैसे ही मैंने उनसे कहा वो तुरंत मान गए। और वो तुम्हारे घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही तो है। और वो ओक्स में पढ़ाई करेगी, बहुत बढ़िया स्कूल है। उसकी नानी उससे मिलने आती रहेगी और इसकी मंजूरी कोर्ट देने ही वाला है। ठीक है। और उसके 12th बर्थडे पर फ्रैंक वो कोर्ट जा सकती है और फैसला कर सकती है कि वो किसके पास रहना चाहती है। इतनी सी तो बात है। मेरे वकील हो तुम, ये समझौता क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। तुम्हें ये डील पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। उन्हें लगता है वो हारने वाले हैं। हाँ ऐसा ही लगता है। तुम्हें लगता है हम हारने वाले हैं? हाँ ऐसा ही लगता है फ्रैंक। काफी देर हो चुकी है, मुझे घर जाकर बच्चों को सुलाना है। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा फ्रैंक। पर अगर हमने ये फैसला जज निकल्स पर छोड़ दिया तो फिर सोच लो फ्रैंक, वो तुम्हारी मां को पसंद करता है? नहीं, उनकी दौलत को पसंद करता है, उनके मेडिकल प्लान को, उनका घर पसंद करता है। अब तुम खुद ही समझ जाओ। मैं उसके सामने केस लड़ चुका हूं, सैकड़ों केस। और अगर उस पर फैसला छोड़ा, मेरी तरफ देखो, अगर उस पर फैसला छोड़ा तो वो वहीं झुकेगा जहां जेब ज्यादा भारी होगी। इसलिए मेरा कहना मान लो फ्रैंक, उस परिवार से मिल लो, देखो तुम्हें कैसा लगता है, उसके बाद ही फैसला करना। जरूरी है कि हम समझते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैरी अपने साथ बिल्ली लाएगी तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। आजकल समझौते के बारे में काफी सोच रहे हैं। एक तरफ एक बेहतरीन स्कूल
दूसरी तरफ एक अलग परिवार जिनके साथ वो टीवी देख सकती है, गार्डन जा सकती है, अच्छी जिंदगी जीना सीख सकती है। सबसे बड़ी तसल्ली ये है कि वो पहले से बेहतर माहौल में होगी। वेल, गुड बाय फ्रैंक। के मत जाइए प्लीज। देखो तुम एक नए स्कूल में जाने वाली हो, एक बेहतर स्कूल में। मुझे नहीं जाना है, मुझे पुराना स्कूल चलेगा। प्लीज। और महीने में एक बार तुम मेरे और रॉबर्टा के साथ रह सकती हो। पर मुझे अभी आप लोगों के पास रहना है। कुछ सालों बाद तुम चाहो तो वापस आकर मेरे साथ रह सकती। मुझे आपके साथ रहना है, आपने वादा किया था मुझसे। वादा किया था। मैं जानता हूँ। ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, तुम जानती हो ना, हम इस पर काफी बात कर चुके हैं। जिद मत करो, अब मान जाओ। नहीं, देखो, नहीं, चलो बेटा, नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं मैरी, नहीं, नहीं बेटा, सब ऐसा मत कीजिए, आपने प्रॉमिस किया था। कहीं दूर नहीं जा रहा। मामा, मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। वापस आइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पता नहीं कौन सी गलती पड़ी है, लीक होने वाला वाटर पंप बनाना या उसे ऐसी जगह फिट करना जहां कोई पहुंच नहीं सकता। कम ऑन, ऐसा कुछ बनाना ही क्यों जो कभी काम ना करे। इसे बनाने वाला कोई पागल ही होगा। उसके आने के कुछ हफ्तों बाद ही मैं समझ गया था कि उसके लिए परिवार ढूंढना होगा। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी, और हर दिन मैं सोचता आज का दिन, आज मैं उसे चाइल्ड वेलफेयर के पास ले जाऊंगा, और हर दिन वो कुछ कमाल का कर दी। उसकी वजह से घर में रौनक थी, वो मुझे हंसा दी। कभी उसे गुस्सा आता, कभी खुश रहती और कभी उदास होती, पर क्यूट थी और फुल टाइम पास थी। इसीलिए मैंने उसे साथ रखा, इसलिए नहीं कि इसमें उसकी भलाई थी या मैं उसकी बढ़िया परवरिश कर सकता था। अगर मैं डायन को समझ पाता तो शायद मैरी और वो दोनों आज साथ होते। और अब 6.5 साल बाद आखिरकार मुझे उसके लायक परिवार मिला, और जानती हो, फैसला बढ़िया था, उसे अच्छा लगा। मैंने सोचा उसे लगेगा कि मैंने उसे छोड़ दिया, उसे धोखा दे दिया, पर अब लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो साला हीरो बन गया। फ्रैंक। नहीं बॉनी, तुमने जो किया उसकी मैं कद्र करता हूं, बस Thank you.
हाय फ्रैंक, बात यह है कि अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या हुआ? मेरी ठीक है पर वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे। वो नहीं नहीं रुक जाओ, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। दरअसल तुम्हारे आने की वजह से ही वो डिस्टर्ब रहती है फ्रैंक। क्या? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। आई एम सॉरी लेकिन ऐसा होता ही है, उसे थोड़ा और वक्त दो। मुझे बस 5 मिनट दे दो। अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो उसका भरोसा टूट जाएगा और फिर वो हमसे भी रूठ जाएगी। रेड को अडॉप्शन में डाल दिया। क्या मदद कर सकती है? क्या आपके पास एक आंख वाली बिल्ली है जिसका नाम फ्रेड है? हमारे पास एक आंख वाली बिल्ली तो है पर मुझे उसका नाम नहीं पता। पता नहीं, आज उसका आखिरी दिन था। आप वहां नहीं जा सकते। ओ, 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 रुको, तुम अंदर कैसे आए? मैंने इनसे कहा था पर फ्रेड, इसे यहां कौन लाया? कोई था, उन्होंने कहा उन्हें बिल्ली से एलर्जी है। एवलिन, एवलिन कहाँ है? एवलिन मतलब तुम्हारी माँ? हाँ। एवलिन हमारे गेस्ट हाउस में है।
देखो मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी फ्रैंक, देखो देखो मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी माँ ने हमारी इतनी मदद की कि हम मना नहीं कर पाए, बात तो सुनो। देखो तुम जानते हो तुम फंस चुके हो, अपनी सलामती चाहते हो तो अंदर चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन मैरी, हम घर जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, तुम्हें यह देखना चाहिए। चलो मेरी घर चलते हैं। जाती कहाँ है? मैरी चाहिए। डायन का नाबियस डोक्स इक्वेशन पूरा हो गया था। मैरी, नहीं नहीं छोड़िए मुझे, घर चाहिए। नहीं रुको, नहीं रुको, नहीं आपने झूठ कहा मुझसे। नहीं 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 सॉरी, मेरी बात सुनो, जाने दो मुझे। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। I'm so sorry. आपने वादा किया था मुझसे। मैं जानता हूँ, किया था, मैं जानता हूँ, I'm sorry. आपने कहा था आप मुझे छोड़ कर नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। वो फ्रेड को ले गए। नहीं वो ठीक है, मैं उसे ले आया, वो घर पर है। सच? सच कह रहा हूँ, मैं उसे घर ले आया हूँ। सच कह रहे हैं ना? वो इस वक्त घर पर पिंग पोंग बॉल के साथ खेल रहा है। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ, और फिर मेरी समझ में आया कि अगर मेरी इतनी स्वीट, इतनी अमेजिंग और इतनी स्मार्ट बच्ची है तो मैंने कुछ तो सही किया होगा ना। आप स्माइल कर रहे हैं। रोबोटा। ओ मेरी बच्ची, बड़ी घटिया चाल चली है तुमने। वो उसे कहां ले जा रही कहीं है? कहीं नहीं, अभी तो नहीं। तुम दोनों निकलो। ये क्या? जानती हो डायन ने ये कब पूरा किया? तुम्हें क्या लगता है हम यकीन कर लेंगे इस झूठ पर? जब मैं उसके घर गया तो वो जमीन पर बैठी थी, ये बच्ची उसके हाथों में थी। जानती हो तब उसने मुझसे हम जानते हैं ये तुम्हारा किया कराया है। कहा अब मैं इसके आगे नहीं, ये थीसिस पूरी ये नहीं है। नहीं नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। एवलिन चुप हो जाओ, मैं मैरी को साथ ले जा रहा हूँ और उसे वैसे पालूंगा जैसे डायन चाहती थी। वो तो हम बाद में देखेंगे। मैं जानता हूँ वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर आइंस्टाइन साइकिल चलाना सीख सकता है तो वो भी सीख सकता है। मान लेते हैं कि डायन ने हमें नहीं बताया, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये एक मिलेनियम प्रॉब्लम है। वो दुनिया को इसके बारे में बताती। यहीं पर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर वो थीसिस पूरी करती तो उसे पब्लिश जरूर करती। डायन ने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं ये मरने के बाद ही पब्लिश करूं। उसे मरे 6 साल हो गए। वो अपनी मौत की बात नहीं कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर आप जानती हैं कि एक बार डायन ने ठान ली तो किसी की नहीं सुनती थी। मैंने MIT से बात कर ली है। शैंकलिन इसे आपके साथ पब्लिश करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, आपके फोन का इंतजार कर रहा है। आपकी जिंदगी के अगले कुछ साल इसे साबित करने में निकल जाएंगे। मैरी के लिए वक्त नहीं होगा। हम मना कर दें तो? डायन के मुताबिक होगा।
मतलब हमारे मरने का इंतजार। जानता हूं डायन को संभालना मुश्किल था, वो आपसे नाराज थी, पर इसके बावजूद कुछ अच्छा हुआ है, उसे आपकी जरूरत है। आप ये काम सबसे बेहतर कर सकती हैं, सच में। हमें नहीं लगता डायन चाहती थी कि ये हमें मिले। डायन दिमाग से कब सोचती थी? मैं बाहर खड़ा हूं, आपका फैसला जानना है। एवलिन एडलर, सीमो शैंकलिन से बात करवाइए। और मैं चाहता हूं आप ध्यान दें कि जब आप P को N से कंप्यूट करके 4 mod 5 से डिवाइड करें तो इसका आंसर मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो सबसे पहले इसे श्रीनिवास रामानुजन ने समझा था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने प्रूव किया था कि ऐसा सारे 4 mod 5 नंबर्स के साथ होता है। तो उन्होंने प्रूव किया कि P of 5n plus 4 0 mod 7 के साथ मेल खाता है और P of 11n plus 6 0 mod 11 से मेल खाता है। आप बूढ़ी औरत की तरह गाड़ी चलाते हैं। ये फ्लोरिडा है, सब ऐसे ही चलाते हैं। स्कूल कैसा था? अच्छा था। आम स्कूल जितना मजेदार नहीं था, पर अच्छा था। ये कौन सी बुक है? डिस्कोर्स ऑन मेथड, रेने डेकार्ट। इसके बारे में? अस्तित्व। अस्तित्व? हाँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। हाँ जरूर है, इसमें क्या बात है? मैं फ्रेड के बारे में सोचती हूँ, इसका मतलब मैं हूँ। हाँ ऐसा ही कुछ। वो एक बिल्ला है और हैंडसम है और उसके सिर्फ एक आंख है। पहुंच गए। ए, ए, रुकने से पहले दरवाजा मत खोलो। तो फिर गाड़ी रोकिए ना।
new wind is blowing through these streets. Those cold days are history to us. I'm not saying times they won't get tough, but we still got each other, that's enough. I know life ain't simple for you, dear, but I'm here and I'm not going anywhere. I'm not saying I know how you feel, I just know that I can help you deal. Don't lose your mind, don't lose your good heart, just know this time that you'll be waking up in all these better days. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on, this is how you walk on. The warm light of the evening sings so sweet, cold grass underneath your dancing feet. These simple things mean more than I can say. These moments make up for all past dark days. Don't lose your mind, don't lose your good heart, just know this time that you'll be waking up in all these bitter days. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on, this is how you walk. This is how you are.